कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करें पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करें मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ्फुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। खबर नगर के आगाज पर रुख करेंगे औबाड़ों का, जहां रोंती थाना के इलाके में एक ही घर के तमाम अफराद नशावर खाना खाने से बेहोश हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे आफ्ताब सुलंगी की इस रिपोर्ट में। उबाड़ों में हवा की बेटी अपने घर में महफूज ना हो सकी। उबाड़ों रोंती थाने के करीब मेहनत कश अनातुल्ला समेत घर के तमाम अफराद नशावर खाना खाने से घर के तमाम अफराद बेहोश। अनातुल्ला सलमान बेहोश 3 घंटे बाद होश में आने पर मेहनत कश अनातुल्ला ने घर में आवाज़ें चीख पुकार किया, जिसपे पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचकर रोंती थाना पुलिस को इतला दी, जिसके बाद रोंती पुलिस ने लेटर देकर उनको बेहोश की हालत में तालका अस्पताल उबाड़ो पहुंचे, जहां पे मेहनत कश का भाई अमानुल्ला मोची मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा पड़ोसी साबिर चाचड़ ने नशावर चीज़ खिला के हमें बेहोश करके बहुत जुल्म किया है। साबिर चाचड़ हमारा पड़ोसी था, हम उस पर पूरा यकीन करते थे, लेकिन साबिर चाचड़ ने मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की। इस मौके पर बेहोश लड़की ने अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिर चाचर शाम को हमारे घर आए और कहा कि आज सालन कौन सा पका है। वो डायरेक्ट हमारे किचन में चला गया, जहां हांडी पक रही थी, वहां उसने हांडी में नशावर चीज डाली, जिसको खाने से हम सारे घर के अफराद बेहोश हो गए। जब मुझे होश आया, मैंने देखा कि घर के सारे अफराद बेहोश पड़े हैं। जवाबदार साबिर चाचर मेरे से ज्यादा करने की कोशिश की, मेरे चीख को आवाज पर पड़ोस के लोग जमा होने पे साबिर चाचड़ मौके से फरार हो गया। साबिर चाचड़ पड़ोसी हो के हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है। साबिर चाचड़ ने मेरी ज़िंदगी तबाह की है। हम आला हुकाम से पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसे वेशी दरिंदे को फुल फोर फांसी दी जाए। दूसरी जानब उबाड़ो तालुके अस्पताल में लेडी डॉक्टर न होने पर बेहोश शबाना मोची को डेहर के अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर उसको फर्स्ट एड दी गई। दूसरी जानब रोंती थाने पे जवाबदार खिलाफ NC दाखिल की गई है। रोंती पुलिस जवाबदार का बाप नबी बख्श चाचड़ को गिरफ्तार कर लिया है। आफ्ताब सोलंगी, ANN न्यूज, उबाड़ो। खबर शामिल करेंगे लिया से, जहां मुसाफिर बस और कार में तसादुम, एक शख्स जहां बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद जुनैद तारिक की इस रिपोर्ट में। चाक नंबर 90 ML पुलिस चौकी का करीब मुसाफिर बस और कार में तसादुम, चौक आजम का रिहायशी सियासी व समाजी मलक रब नवाज बखर जाते हुए बेटे और भांजे के हमरा हादसे का शिकार हो गया। भांजा मौके पर जांबा, मलक रब नवाज और इनके बेटे वसीम की हालत तफ्तीशनाक बताई जा रही है। मकामी पुलिस मसरूफ़ कार्रवाई, जख्मियों को रेस्क्यू 112 ने तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद जुनैद तारिक, ANN न्यूज, लिया। रुख करेंगे खैरपुर मीरस का, जहां कोर्ट DG कुंभ के नवाही गांव मस्तली गोपांग के रिहायशी खवातीन बच्चों के हमरा पुलिस गर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गई। मजीद तफसीलात जानेंगे मंसूर अहमद पल की इस रिपोर्ट में। जी हां बिल्कुल, जैसा कि खैरपुर मीरस कोर्ट DG कुंभ के रिहायशी गांव मस्तली गोपांग की औरतों ने मासूम बच्चों के साथ पाक किताब लेकर कोर्ट DG पुलिस की नाजायजों के खिलाफ एहतजाज किया। कुंभ औरतों में मसूमात दयानी मीरजादी नसीबा सीमा गोपांग और दूसरों की अगवाणी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कोर्ट DG पुलिस ने हमारा जीना जंजाल कर दिया है, बेगुनाह हमारे घरों के ऊपर चढ़ाई करके तशद्दुद किया जा रहा है। औरतों के इल्ज़ाम
हमारे नौजवान साजिद गोपांग ने शर बरादरी की नारी से पसंद की शादी की थी, जिस पे एस आई लाल नौशर और कोडेजी पुलिस ने हमारा जीना जंजाल कर दिया है। कुम हमारे मर्दों के ऊपर झूठे मुकदमे दाखिल किए जा रहे हैं। हम आला हुकाम से इस मामले की जांच पड़ताल की अपील करते हैं और इस मामले की साफ शफाफ जांच पड़ताल की जाए। औरतों का मुजाहरीन का कहना था। कैमरा टीम के साथ मंसूर अहमद पर एनएन ब्यूरो चीफ खैरपुर मिरस। खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से, जहां पुलिस थाना पका लाड़ा की जानिब से मुबैना रिश्वत के एवज गरीब खातून के मुलजमान के खिलाफ मुकदमा में कमजोर दफात के इंदराज पर अहलियाने इलाका सरापा एहतजाज हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद खान। थाना पक्का लाड़ा के अदोद मौजा ठिटर पुस्ती की रिहायशी रजिया मई ने इल्जाम ऐद किया है कि हम लोग इंतहाई गरीब हैं, मेरा शोहर मेहनत मजदूरी करता है। 23 रमजान को मैंने रोजे की हालत में अपने घर पे चार पाई खड़ी करके नहा रही थी कि अचानक जलील अहमद ने मुझे दबोच लिया और मेरे साथ जबरदस्ती जिना करने की कोशिश शुरू कर दी। जबकि शबीर अहमद पैरा देने लगा, मेरे शोर शराबे पर अहले मोहल्ला आता देख कर मुलजमान भाग गया। पुलिस थाना पक्का लाड़ा दोनों मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का कहा तो उन्होंने साज बाज करके मुबैना रिश्वत के अरूज पर 18 दिन बाद जलाल अहमद के खिलाफ जेर दफा 376 बेते और 511 तेबे मुकदमा नंबर 234 कमजोर दफात के तहत दर्ज किया, जबकि दूसरा मुलजम शबीर अहमद मुबैना तौर पर अरूज क्लीन चिट दे दी। अहले इलाका के साथ सैकड़ों अफराद के एहतजाज करते हुए उनका मजीद कहना था कि इस गरीब खातून को इंसाफ दिया जाए और दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। हम वजीर आला पंजाब और डीपीओ रहीम यार खान और आरपीओ बहावलपुर से अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए। जी रुख करेंगे कैरोड पक्का का, जहां नवाही इलाका अरिंद ज्यादा के मकीनों के साथ सुतीला सलूक, सियासी वादे फतह के बाद नजरअंदाज, अरसा दराज से टूट फूट का शिकार रिंद ज्यादा रोड तामीर न हो सका। रिपोर्ट कर रहे हैं हसनैन खान। रिंद कैरोड पक्का के नवाही इलाके रिंद ज्यादा के मुकीनों के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जाने लगा। सियासी वादे फतेह के बाद भी नजरअंदाज कर दिए जाते रहे अहले इलाका परेशान। रिंद ज्यादा में अरसा 35 साल से रिंद ज्यादा रोड टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। इलाका मुकीन सरापा एहतजाज। इलाका मुकीनों का कहना है कि रिंद ज्यादा रोड को चार यूनियन कौंसल लगती है, रोजाना की बुनियाद पर जो है हजारों की तादाद में इसी रोड पर गाड़ियों की आमदोराफ्त होती है। बारिश के बहस कई रोज रोड पर पानी खड़ा रहता है, रोड जो है तालाब का मंजर पेश करने लगते हैं। इमरजेंसी की सूरत में अगर मरीज को कैरोड पका अस्पताल में ले जाया जाए तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इसी रोड से गुजरते हुए गाड़ियां भी खटकारा हो चुकी है। यहां के सियासतदान यहां से वोट तो हासिल करते हैं मगर इलाका की तरक्की के लिए कोई काम नहीं करते। इसी रोड पर सरकारी और प्राइवेट 20 से ज्यादा स्कूल मौजूद हैं। कई दफा तो स्कूल जाते हुए रिक्शे भी उलट चुके हैं। जिला इंतजामिया को दरखास्त देने के बावजूद भी अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी, वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बद्दार से फौरी तौर पर रोड को मुरम्मत करवाने की जो है अपील की है। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खान, एएनएन न्यूज। मुजाहिरीन का कहना था कि एमएस और इंतजामी डॉक्टर्स ने गालियां और नारवा रवैया मामूल बना दिया। मुतलका डॉक्टर्स और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करके तहफ्फुज़ फराहम किया जाए वरना काम छोड़ हड़ताल करेंगे। की गई गंदम और चीनी की भारी मकदार में बरामदगी कर ली। यासीन किराना स्टोर मोहम्मद यासीन से 1100 थैला गंदम और 600 थैला चीनी, जबकि जकरिया वाल्द अहमद यार के कब्जे से 900 थैला गंदम बरामद करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। मोहम्मद जुनेद तारिक, एएनएन न्यूज़ लिया। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां डॉक्टर्स और इंतजामिया के हतक अमेज रवैये के खिलाफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ सरापा एहतजाज हो गया।
खबर शामिल करेंगे टंडो आदम से, जहां वेटरनरी डॉक्टर्स और इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस कसाब मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने लगे। इत्तला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर का कसाब के घर पर छापा, मुर्दा जानवरों का गोश्त बरामद कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अली थईम की इस रिपोर्ट में। टंडो आदम शहर के जोहराबाद रेलवे फाटक पर गुज़िश्ता बड़े अरसे से कसाब की जानिब से शहरियों को बड़ा और छोटे का मुर्दा गोश्त खिलाया जा रहा था। मस्कुरा कसाब की जानिब से आम शहर के आम दुकानों से कम रेट पर गोश्त फरोख करके बड़ी तादाद में शहरियों को गोश्त फरोख किया जा रहा था। ऐसी इतला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर टंडो आदम एजाज अहमद जतोई मुख्तियारकार टंडो आदम की जानिब से मस्कुरा दुकान पर छापा मारा गया और उसकी निशानदेही पर दुकानदार के अड्डे पर छापा मारा गया, जहाँ पर बड़ी मकदार में छोटा और बड़े का मुर्दार गोश्त बरामद हुआ और कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया। शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी टंडो आदम और वेटनरी डॉक्टर की लापरवाही के बायस मस्कुरा शख्स शहरियों को हराम गोश्त खिला रहा था। शहरियों का कहना है कि ऐसे कई लोग शहर में मुर्दार गोश्त फरोख्त कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन कयामुद्दीन के साथ अली थईम, ANN न्यूज़, टंडो आदम। रुख करेंगे हवेली लखा का, जहां नवाही गांव जिंदेका में महकमा अनहार के मुलाजमीन ने राजपा पर भैंस को पानी पिलाने की पादाश में मेहनत कश की टांग तोड़ दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हैदर। हवेली लखा के नवाही गांव कायम जिंदेका में भैंस को पानी पिलाना जुर्म बन गया। अली रजा ओवरसी और मोहम्मद अहमद बेलदार हाशम मीर नजीर अहमद बेलदार दो नामालूम जो कि महकमा अनहार के मुलाजिम हैं, कायम जिंदेका राजपा पर भैंस को पानी पिलाने पर गरीब आदमी अहमद यार वाल मोहम्मद यूसुफ को अगवा करके मोटरसाइकिल पर बिठाकर रास्ते में रिश्वत ना देने पर मार मार कर टांगे तोड़ दी। जराए अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब RPO साहिवाल DPO उगाड़ा से दरख्वास्त की है कि गरीब आदमी को इंसाफ दिलाया जाए और बदमाशों और रिश्वत खोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अली हैदर, ANN न्यूज़, बाखबर पाकिस्तान, हवेली लखा। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां महकमा माही परवरी के अफसरान ने भी सरकारी गाड़ियों का जाती इस्तेमाल शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक साजिद की इस रिपोर्ट में। फिशरी के अफसरों ने भी सरकारी गाड़ियों का जाती इस्तेमाल शुरू कर दिया। महकमा फिशरी की सरकारी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले जाते हुए देखा जा सकता है। सरकारी गाड़ी पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। शहरियों ने सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मलिक साजिद, ANN न्यूज़, मुल्तान। विहाड़ी रोड मुल्तान पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर बहन भाइयों को कुचल दिया। हादसे में बहन जान बहक जबकि भाई शदीद जख्मी हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक साजिद। विहाड़ी रोड पर ट्रक ने राहगीर बहन भाई को कुचल दिया। हादसे में 45 साल बहन जान बहक जख्मी भाई को निश्तर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहां भाग होने वाली खातून की शनाख्त शबाज माई के नाम से हुई है। हादसे में जख्मी नजीर की हालत खतरे से बाहर है। मलिक साजिद, ANN न्यूज, मुल्तान। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करें बुनाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करें मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता बुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ्फुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। रुख करेंगे मेलसी का, जहां पाकिस्तान नात काउंसिल की जानिब से मोहम्मद तलहा सदीकी ने उलमाए कराम और मुअज्जिज़ीन के एजाज में जोहराना दिया। इस मौके पर उलमाए कराम ने हुकूमती SOPs पर अमल दरामद पर भी जोर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे मियां वजाहत की इस रिपोर्ट में। मेलसी पाकिस्तान नात काउंसिल मेलसी की तरफ से मोहम्मद तलहा सदीकी ने उलमाए कराम और मुअज्जिज़ीन के एजाज में जोहराना दिया। इस मौके पर उलमाए कराम हुकूमती SOPs पर
अमल दरामद पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर कहा गया कि पाकिस्तान नाथ काउंसिल की तरफ से 12 रबीउल अव्वल सरकारी सतह पर मनाया जाएगा। नाथ काउंसिल की जानिब से नाथ के फरोग के लिए अहम करदा अदा किया जाएगा। आलमी वबा कोरोना के लिए दुआ की गई। अल्लाह ताला इस आलमी वबा के अजाब को खत्म करे। कैमरामैन टीम के साथ मियां वजाद, ब्यूरो चीफ ANN मेलबर्न। खबर शामिल करेंगे कोर्ट राधा कृष्ण से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा NA 138 सरदार राशिद तुफैल ने गांव मता में अरसे दराज से बंद नहर की भल सफाई का काम शुरू करवा दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम मुस्तफा। जी हां बिल्कुल, कोर्ट राधा कृष्ण पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार राशिद तुफैल ने गाँव मता में अरसा दराज से बंद नहर पर फौरी नोटिस लेते हुए सफाई का काम शुरू करवा दिया। आइए जानते हैं इन लोगों की जबानी। असी जनाब शुक्रिया अदा करते हैं सरदार राशिद तुफैल का, टिकट होल्डर NA 138, तो उन्होंने शुक्रिया अदा करते हैं कावर हजार का, जरा PP 182 जो सा उम्मीदवार है उन्होंने साढ़े नाल बहुत मदद की। साढ़े नाल तहसीलदार के दफ्तर गए, AC के दफ्तर गए, रात दिन मेहनत करके सानू उन्होंने ये मजदूरी लैके दी सफाई वास्ते, जरा कि साढ़े पिंड वास्ते बड़ा वड्डा मसला सी। जो बारिशा होंगे सन पानी सारा पिंड वापस आ जाता सी। असी PTI के इमरान खान के, दावर आजाद के, राशिद तुफैल के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने साढ़े नाल मेहनत करके ये मौका फराहम किया और साड़ी उन्होंने बड़ी मुहब्बत है। इंशाल्लाह असी उन्होंने नाल चलते रहे हैं, चलते रहेंगे, तो PTI नाल बिल्कुल साडा सारा तावन इंशाल्लाह है। सफाई के काम बड़े जोरों शोर न जारी थे, कंधा मिला के बाकी पिंड के डिवेलपमेंट के कामों वास्ते भी सानू यकीन जारी कराई। शुक्रिया। रुख करेंगे कैरोड पक्का का, जहां थाना सदर के इलाके मोहम्मद मुराद में दो बिरादरियों में तसादुम, तीन अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं हसनैन खान रिंद। कहरपका थाना सदर के इलाके मौजा मोहम्मद मुराद में दो बरादरियों का आपस में तसादम। अरिया बरादरी के अफराद ने अरई बरादरी के तीन अफराद को जो है शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों में डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मालिक, अब्दुल गफार, मोहम्मद फियाज शामिल हैं। रेस्क्यू 112 की टीमें और पुलिस की भारी नफी जो है मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू ने जख्मियों को फौरन जो है THQ अस्पताल कहरपका मुंतकिल कर दिया है। अरिया बरादरी के 10 से ज्यादा अफराद मकई की फसल में छुपे हुए थे कि छुपे हुए अफराद ने रोड से गुजरने वाले बरादरी के अफराद पर कातिलाना हमला कर दिया। अरिया बरादरी के अफराद ने गुज़श्ता 4 माह में तीसरी बार जो है अरई बरादरी पर कातिलाना हमला किया है। वजह अनाज यह है कि जख्मी होने वाले डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मालिक ने अरिया बरादरी के एक अफराद को जो है इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगने के 15 दिन बाद जो है मरीज वफात पा गया था। अरिया बरादरी के अफराद के खिलाफ जो है छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है अरिया बरादरी का कोई भी फर्द जो है गिरफ्तार न हो सका। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरेंद, ANN न्यूज, कैरोट पका। रुख करेंगे विहाड़ी का, जहां पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव और फैलाव के तदारुक के लिए हिफाजती इंतजामात और एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद कामरान नक्शबंदी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी SNLA चौहान की हदायत पर कोरोना वायरस के चैलेंज से नबर्द आजमा होने के लिए तमाम हिफाजती इंतजाम और एहतियाती तदाबीर को अपनाया जा रहा है। इस सिलसिला में कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव के तदाक के लिए विहाड़ी पुलिस के इमलाक में क्लोरीन का स्प्रे किया गया। क्लोरीन स्प्रे पुलिस दफातर, पुलिस लाइन और जिला भर के थाना जात में की गई और थाना के हवालात को खसूसी तौर पर फोकस किया गया ताकि बंद मुलजमान इस वबा से महफूज रह सकें। इस मौका पर DPO विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान का कहना था कि रेस्क्यू 112 के तामन से पुलिस से मुतल्लिका पुरहजूम मुकामात पर डेस्क इन्फेक्शन के लिए स्प्रे का सिलसिला जारी है ताकि वबाई मर्ज कोरोना से बचाओ और इसके फैलाव का तदारक किया जा सके। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद कामरान नक्शबंदी, ANN न्यूज, विहाड़ी। खबर शामिल करेंगे देराजी खान से, जहां रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद की हिदायत पर तमाम ऑफिस स्टाफ और एहलकारान के कोरोना टेस्ट कराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान अली खोसा की इस रिपोर्ट में। जी, रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद की हदायत पर रीजनल पुलिस ऑफिस स्टाफ के तमाम अफिसरान व एहलकारान के कोरोना टेस्ट कराने का सिलसिला शुरू। तमाम अफिसरान व एहलकारान कोरोना
वायरस की एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हों। RPO इमरान अहमर, टेस्ट का सिलसिला वार मरहला शुरू किया गया। RPO से लेकर दर्जा चहारम तक के तमाम एहलकारान के कोरोना टेस्ट सैंपल लिए जाएंगे। इब्तदाई मरहले में 30 से जायद अफिसरान व एहलकारान के कोरोना टेस्ट के लिए नमूना जात हासिल किए गए। हासिल शुदा नमूना जात को चेकअप के लिए लेबॉरेटरी भिजवा दिया गया, जिनके कुछ दिन तक रिजल्ट आ जाएंगे। फिर अगले मरहले में दोबारा टेस्ट कराए जाएंगे। इस मौके पर RPO इमरान अहमर का कहना था कि जुमला स्टाफ कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हूँ। खुद को और अपने साथियों को मौजी वबा से महफूज रखने और बचाने के लिए अमली किरदार अदा करें। अपने इर्द गिर्द सोशल डिस्टेंस रखें। मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। SOPs की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त न की जाएगी। जी, रुख करेंगे विहाड़ी का, जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सब्सिडी देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के सिवा तमाम अशिया महंगे दामों फरोख्त जारी। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद हुसैन नक्शबंदी की इस रिपोर्ट में। विहाड़ी यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को सब्सिडी देने के हुकूमती दावे जाली निकले। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी के सिवा तमाम अशिया की फरोख्त महंगे दामों जारी। आम मार्केट में काले चने की कीमत 105 रुपए से कम, जबकि यूटिलिटी स्टोर से 155 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। शहरी आम बाजार से दाल माश 185, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 255 रुपए फी किलो दिए जा रहे हैं। आम बाजार से दाल चना 110 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 130 रुपए मिल रहे हैं। वजीर आजम के रिलीव के दावे महज दावे हैं। शहरी आवाम सस्ती चीनी लेने की कोशिश में यूटिलिटी स्टोर पर लुट रही है। हकूमती लिस्ट के मुताबिक अशिया देने के बावजूद हमारे चलान किए जाते हैं दुकानदार। यूटिलिटी स्टोर पर होने वाली लूट मार को कोई पूछने वाला नहीं है। कैमरामैन शहबाज अली के साथ शाहिद हुसैन नक्शबंदी, ANN न्यूज विहाड़ी। खबर नगर से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.TV, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल ऐन है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करें, बुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करें मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता फ्लायर डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ्फुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। फ्लायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है।